मैं बहुत सारे पहलेटान हूँ, लुकाई के बगैर मुझे नींद भी नहीं आती, रात को माला टुकला बिलान हो गया। एक पुरानी कहावत है, शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। अब शामली का एक युवक ये लड्डू खाने के लिए इतना बेताब है कि वो सीधा पुलिस स्टेशन जा पहुंचा और गुहार लगाई कि मेरी शादी करवा दो। आप वीडियो में जिस 2.5 फीट के शख्स को देख रहे हैं, उनका नाम मोहम्मद अजीम मंसूरी है। इनकी उम्र 26 साल है और ये शादी ना होने से परेशान है। फिर क्या था, जनाब जा पहुंचे महिला पुलिस स्टेशन। युवक ने थाने पर मौजूद पुलिस स्टाफ से मिन्नतें करते हुए शादी कराने की सिफारिश की है। वही महिला थाने पहुंचे इस युवक ने जब पुलिस स्टाफ को अपना दर्द सुनाया तो उन्होंने उसकी मदद करने का आश्वासन दिया। अच्छा, कहाँ से करना चाहते हो शादी, मतलब किस तरीके की लड़की चाहते हो आप? अच्छी लड़की तो मैं केजीबी हो, पलीली के हो, मैं लेके मत कर लेके आ गया। अजीम की लंबाई महज 2.5 फीट है, जिसकी वजह से कई सालों की मशक्कत के बावजूद आज तक उसकी शादी नहीं हो पाई। वही अजीम अपनी शादी कराने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर जिले के अधिकारियों से भी मुलाकात कर चुका है, लेकिन लंबाई के मुताबिक लड़की नहीं मिलने की वजह से आज तक वह कुआरा है। अजीम ने बताया कि उसने पूर्व में लखनऊ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर शादी कराने की गुहार लगाई थी, इसके चलते वहाँ से भी उसके हाथ निराशा ही लगी। बार आया था पुलिस वालों ने निकाला था, हम देखे गए तुम्हारे लिए लड़के अच्छो मिले के कड़ावे के हम अच्छो मिले बिल हमने को सब एटीएम साहब से कोच वाल से एच पी से चाली सब से मिला हुआ मैं, उन्होंने मेरी मांग का बोली निकाली। अच्छा, कितने साल की उम्र है आपकी? जी मेरी 26 साल की उम्र है। कैराना में दुकान चलाने वाले अजीम मंसूरी ने बताया कि वह अपनी शादी के लिए काफी प्रयास कर चुका है, लेकिन अभी तक अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल नहीं की है। अजीम ने यह भी बताया कि अगर रमजान से पहले उसकी शादी हो गई, तो वह अपनी पत्नी को हनीमून पर गोवा ले जाएगा। इसके अलावा वह अपनी पत्नी को कुल्लू मनाली मंसूरी जैसी कई हिल स्टेशन की भी सैर कराएगा। मेरी शादी हो गई थी, मैं हनीमून मनाने लेके जाऊंगा कोया शिमला पटियाला। अजीम को अब बस अखिलेश यादव से उम्मीद है। उनका कहना है कि जब अखिलेश की सरकार आएगी वही उनका ब्याह करवाएंगे। अब जब इंशाल्लाह जब अखिलेश यादव की सरकार आएगी जब